नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। आपने किन्नरों की एकता के बारे में जरूर सुना होगा। किन्नर आपस में इतने एकजुट रहते हैं कि लोग इनकी ताकत की मिसाल देते हैं। लेकिन आपको जो हम खबर बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजधानी भोपाल में कुछ दिन से किन्नरों के बीच आपसी झगड़ों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपस में मारपीट का मामला सामने आता है तो कभी एक दूसरे पर जानलेवा हमले तक की बात सामने आती रहती है। लेकिन राजधानी से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। किन्नर अब घर में घुसकर दूसरे किन्नरों से ही लूटपाट करने लगे हैं। मंगलवारा थाना क्षेत्र में रह रही एक किन्नर नीतू नायक के घर में काजल बम्बैया समेत तीन किन्नर शुक्रवार की सुबह घुसकर सोने की चैन लूटकर चले गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों बारी बारी से घर के अंदर घुसते जा रहे हैं। गजब तो ये है कि घर में घुसने के पहले वे दरवाजे के बाहर चप्पल भी उतारते नजर आ रहे हैं, जिससे कि चप्पल के शोर से सो रहे लोग जग न जाएं। इसके बाद एक किन्नर घर की लाइट जला देती है। लाइट ऑन होते ही नीतू नायक की नींद खुल गई। नीतू ने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि काजल बम्बैया डंडा लिए उसके पास खड़ी थी। इसी दौरान दो किन्नर और अंदर घुस गए। उन्होंने नीतू को पकड़ लिया और गले से सोने की चैन छीनते हुए गाली गलौज की। घर में सो रहे नीतू के साथ ही जागते इससे पहले कि तीनों आरोपी वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद नीतू नायक ने पुलिस में कंप्लेन की। मंगलवारा पुलिस ने नीतू नायक की शिकायत पर काजल बम्बैया समेत तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक काजल पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रही है। अब पुलिस एफआईआर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज एमपी।